अरे सुषमा आंटी, गुड मॉर्निंग आंटी। आंटी होगी तेरी माँ। रात को व्हाट्सएप पे तो मैं तुझे सुष्मिता सेन लगती हूँ और अब सुषमा आंटी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मन से नहीं कहता मैं, क्या करूँ मजबूरी है इसलिए कहना पड़ता है। वो कैसा है कि ये मोहल्ले वाले को तो आप जानते हो, कुछ भी गलत बोलेंगे। अपना क्या है, ना पास्ट है ना फ्यूचर, लेकिन आपकी फुल रिस्पेक्ट है इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। अच्छा वो सब छोड़, तू ये बता, तू इतने सुबह सुबह यहाँ क्या करने आया है, क्या हुआ है? अब वो मम्मी को न्यूज़पेपर पढ़ने का था, आप कल लेके जाओ क्या? चल ना मैं तुझे ब्रेकिंग न्यूज़ देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी 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 कुछ काम है, टेंशन मत लो, मैं शाम को आता है ना, मस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ नाश्ता भी करेगा। तू ना मुझे टांग मत दे, मैं अच्छे से जानती हूँ, एक बार तू यहाँ से चला गया ना फिर तो तू मुझे दिखेगा भी नहीं, और फिर मैं तो तेरा पिछले 2 दिन से इंतजार कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं किया मुझे? कैसे करेगा फोन आंटी? सुषमा कैसे करेगा, नो बैलेंस, ना फोन में ना जिंदगी में। आपको पता है हर रोज इंटरव्यू देता है मैं, हर रोज, लेकिन एक भी जॉब नहीं लगती। आपको पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है, कैसे फेस करता है मैं हर रोज शाम को मम्मी को जाके, आप नहीं समझ सकती। तो बैलेंस का टेंशन क्यों ले रहा है, वो मैं भरा दूंगी ना, आगे से जब भी तू आए ना बस प्लीज एक कॉल कर देना मुझे, कोई देख लिया कुछ गड़बड़ हो गई तो। समझा समझा समझा, अच्छा तो मैं अभी निकलता है ठीक है। अच्छा वो ध्यान रखना। हाँ हाँ वो करती हूँ, अब तू जाना, नहीं तो कोई देख लेगा ना। ठीक है ठीक है। और सुन, हाँ आगे से ना मुझे कॉल करके आ जाना। ओके। और मुझे अकेले में आंटी तो मत बोलना सुषमा। थैंक यू सुषमा आंटी।